माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद है। दोस्तों, आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज आपको बुलाने का मकसद हमारा यही है कि हर साल की तरह इस बार भी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट देश की आज़ादी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाने में लगी हुई है, और हम चाहते हैं कि पूरा जम्मू जो है इस आज़ादी के त्यौहार को बड़ा धूमधाम से मनाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के 70वें साल के ऊपर हर एक नागरिक को अपील की है कि हर घर तिरंगा और हर दुकान के ऊपर तिरंगा जो है लहराया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ये अपील ना भी करते तो हर एक नागरिक, हर एक भारतवर्ष का देशवासी, हर एक अपने घर के ऊपर तिरंगा और हर दुकान के ऊपर तिरंगा लहराता। मैं समझता हूँ ये हमारा तिरंगा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की हर एक की पहचान है, और ये हमारा तिरंगा आन बान की शान है। मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। इन दिनों हमेशा हिंदुस्तानी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, और इन दिनों हमेशा हम आपस में चर्चा करते हैं देश किस तरह आगे बढ़े, किस तरह मजबूत हो, और उसी को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ पूरे जम्मू वासी जो है इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से जश्न से मना रहे हैं। और हमें जश्न से मनाने के अलावा उन शहीदों को भी याद करने का पल है जिन्होंने अपने जान की परवाह ना किए हुए अपनी जान की आहुति दे दी। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जगत गुरु, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, परमपिता महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, इन सेनानियों ने अपनी जान की परवाह ना किए हुए, अपने घर वालों की ना परवाह किए हुए अपने देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। मैं समझता हूँ हमारे युवाओं को इनसे संदेश लेने की जरूरत है, इनकी जीवनी को पढ़ने की जरूरत है, वो किस तरह अपने जीवन शैली को किस तरह भारत के लिए लग रहे हैं, और इन युवाओं को इन शैली से सीख के और अपना जो है योगदान जो है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान जो है देना चाहिए। आप देख रहे हैं आने वाले किस तरह से बांग्लादेश जो है किस तरह की घटना हुई है, और हम ये भी चाहते हैं अपने युवाओं से कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हमें उनको चुन के बाहर निकालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस खुशी के अवसर पर और इन शहीदों को हम अगर समूह को जो है हर एक घर में झंडा और हर दुकान पे झंडा लहराना चाहिए। इसी को देखते हुए हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने ये तय किया है भारत के तिरंगे झंडे को मुफ्त वितरण करने के लिए। आने वाले 3 दिनों में हम जो है झंडे जो है भारतीय झंडे जो है वो मुफ्त वितरण करेंगे। जम्मू का कोई भी नागरिक, कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी संस्था हमारी ट्रेडर फेडरेशन में आके जो है झंडे, भारतीय झंडे जो है वो ले सकती है और अपने घरों के ऊपर या अपनी संस्था के ऊपर लगा सकती है, ताकि हम चाहते हैं कि 15 अगस्त के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक घर के अंदर और हर दुकान के ऊपर और हर सरकारी संस्थाओं के ऊपर झंडे लहराने चाहिए।
और जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील थी कि हर हर घर तिरंगा, हर दुकान के ऊपर तिरंगा, उसी अपील को हम आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं के निर्देश को आगे बढ़ाते हुए ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने डिसाइड किया है कि हर एक घर को झंडा और हर दुकान के ऊपर तिरंगा लहराएगी। और आने वाले दिनों में 12, 13 और 14 और 15 को हमारी ट्रेडर फेडरेशन में ऑफिस में आके मुफ्त झंडा जो है यहाँ पे लेके आए और अपने घरों और दुकानों के ऊपर झंडा लगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे